संजू के ढाबे में आपका स्वागत है। इसी वक्त सब्सक्राइब बटन को दबाएं और हमारे साथ जुड़ें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाकर हर पल की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं रितु खन्ना संजू के ढाबे में फिर से आपका एक बार स्वागत करती हूँ। जय माता दी। नवरात्रि चल रहे हैं, आज मैं आपको फिर नवरात्रों की एक व्रत की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी, वेजिटेबल कटलेट रिंग। चलिए बनाते हैं। में खाने के वेजिटेबल कटलेट रिंग बनाने के लिए हमें चाहिए सिंघाड़े का आटा, फोटू का आटा, उबला हुआ मैश किया हुआ आलू, घिसा हुआ सीताफल, घिसा हुआ खीरा, रोस्टेड मूंगफली क्रश की हुई, सेंधा नमक, अमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर, थोड़ी सी हरी मिर्च। सबसे पहले हमने लिया है एक बाउल, इसमें उबला हुआ आलू डाल देंगे, थोड़ी रोस्टेड मूंगफली, थोड़ा कद्दूकस किया हुआ सीताफल, थोड़ा सा खीरा, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा अमचूर पाउडर, थोड़ा सेंधा नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, थोड़ी सी लाल मिर्च। अब हम इसमें सिंघाड़े का आटा और कोटू का आटा डालेंगे। कोटू और सिंघाड़े का दोनों आटा मैं साथ में इसलिए यूज़ करती हूँ, कोटू का आटा बहुत गर्म होता है और सिंघाड़े का आटा ठंडा होता है। मेरे को कोटू का आटा बिल्कुल हजम नहीं होता, इसलिए मैं सिंघाड़े और कोटू के आटे को मिला के यूज़ करती हूँ। बस मैं इसका डोसा बना लूँगी, इसको मैश करके। देखिए हमारा आटे की तरह ये गूंध गया। अब मैं हाथ में थोड़ा सा घी लूँगी, थोड़ा पीस लूँगी ऐसे ऐसे, इसे टिक्की जैसा पहले बनाऊँगी, फिर ये एक छोटा ढक्कन लूँगी मैं, और इस ढक्कन की सहायता से मैं इसमें इसको बीच से काट दूँगी। ये देखिए ये हमारा रिंग बन गया। बस इसी तरह मैं सारे रिंग बना लूँगी, जो बीच का हिस्सा निकला है इसे रख दूँगी, ये बाद में यूज़ हो जाएगा। इसको फिर मैं ऐसे रिंग बनाऊँगी। ये देखिए घी हमारा गर्म हो गया है, अब मैं इसमें अपने रिंग्स डालूँगी। गैस को धीमा थोड़ा कर दिया मैंने। ये रिंग देखिए हमारा तैयार हो गया। देखिए हमारे रिंग बन के तैयार है, मैं अब इसे गार्निश करूंगी। मैंने ये हंकड़ लिया है, इसके बीच में मैं हंकड़ रखूंगी। थोड़ी थोड़ी सी इसमें मीठी चटनी डालूंगी, जो मैंने अमचूर और चीनी से बनाई है, फटाफट बन जाती है, ताजी बनाओ यूज करो। मैं इसमें थोड़े से अनार के दाने डालूंगी। बनकर तैयार है ये हमारे रिंग्स, चलिए व्रत में खाएं इसको। कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, कुछ कमेंट्स भी लिखिएगा भाई, और शेयर भी करिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। जय माता दी।